Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIIMS Academy. So now we are going to discuss the volume of a cube and cuboid. ये आपका इंट्रोडक्शन है 13.5 का. इससे पहले सारी के सारी हम इंट्रोडक्शन एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस कर चुके हैं. आइए बात करते हैं वॉल्यूम के. अभी जो इससे पहले हमने एक्सरसाइजेस की हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइजेस बेस्ड थी सरफेस एरिया के ऊपर. अब जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे वो होंगी वॉल्यूम के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. पहले आप ये देखिए, आप इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में या फिर आगे आने वाली जो एक्सरसाइजेस है उसमें आप टू वर्ड्स सुनेंगे. पहला होगा वॉल्यूम, दूसरा होगा कैपेसिटी. तो पहले वॉल्यूम और कैपेसिटी का मतलब समझ लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी. पहले तो आप वॉल्यूम देखिए, क्यूबॉइड देखिए. क्यूबॉइड क्या होता है? ब्रिक तो आपने देखी होगी, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, क्यूबॉइड में आपकी ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट. मैं आपसे बात कर रहा हूं वॉल्यूम और कैपेसिटी. हम इस चैप्टर में दोनों चीजों को सेम मानकर चलेंगे, लेकिन मैं आपको मतलब समझा दूं. वॉल्यूम का बेटा मतलब यह है कि ये पूरा क्यूबॉइड कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, ये क्यूबॉइड मैं यहां पर ले लूं तो इस पूरे रूम में ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. अब अगर ये अंदर से होलो होता तो आप इसके अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड या सॉलिड चीज इसमें फिल कर सकते हो. तो इसके अंदर वो कितना लिक्विड या फिर सॉलिड आ सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस क्यूबॉइड. अब दोनों में डिफरेंस क्यों है? देखिए, जब आप पूरे वॉल्यूम इसका कंसीडर कर रहे हो तो इसकी आउटर सरफेस, इनर सरफेस सब कुछ इंक्लूड हो गया. लेकिन जब आप इसके अंदर कुछ फिल करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, है ना? तो क्या होगा, अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो स्लाइटली लेस होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम. लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल मानकर चलेंगे. अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम बताइए, तब भी आप वही निकालेंगे. कैपेसिटी बोला तब भी हम वही मानकर चलेंगे. इज दैट क्लियर? तो अभी हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. पहले आप यह समझिए कि किसी भी चीज का, मैं क्यूबॉइड की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज का जो वॉल्यूम होता है वो होता है बेटा बेस एरिया इनटू हाइट. बेस एरिया इनटू हाइट. अब ये क्या है, ये है आपका क्यूबॉइड. तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया क्या है, इसका बेस क्या है, ये है इसका बेस. ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड. तो बेस का एरिया क्या होगा, एल इन टू बी, है ना, एल इन टू बी. और इसकी हाइट क्या है, एच. सो आज से आप याद रखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज नथिंग बट लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, या फिर चलो अभी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं. एसआई यूनिट, यूनिट की बात करते हैं, एसआई की बात नहीं करेंगे, यूनिट ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्यों बोल रहा हूं भाई, वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, जैसे कि आप लिक्विड लेते हो तो वो लीटर में होता है, डिस्टेंस होता है तो किलोमीटर में होता है, है ना. और अगर हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट होता है. तो इसका क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा. क्या होगा, क्यूबिक यूनिट. मतलब देखिए, अगर मैं लेंथ की बात करूं, मान लीजिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीजें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है. तो लेंथ हो गई सेंटीमीटर, इनटू ब्रेथ भी क्या हो गई, सेंटीमीटर में, और हाइट भी किस में हो गई, सेंटीमीटर में. तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब.
अगर मीटर 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 हुआ तो मीटर का क्यूब, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस में यूनिट दी हुई है, जो भी यूनिट दी हुई है आप उसका क्या कर दोगे, क्यूब। बार बार आप सेंटीमीटर 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 करके लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाला है और सारी की सारी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में है तो उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है, और अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा। इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, क्यूब की। भाई क्यूब क्या है, क्यूब भी तो एक क्यूबॉइड ही है, ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो उसको हम एक अलग से नाम दे देंगे एंड दैट इज क्यूब, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और हाइट क्या है अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो भी होगा सारा इक्वल होगा। इसका मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी सेम होंगी। कहने का मतलब मान लीजिए अगर इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। भाई अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्यूब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, L into B into H। तो इसकी लेंथ कितनी है, A, इसकी ब्रेथ कितनी है, A, और इसकी हाइट भी क्या है, A। तो आप ऐसे लिख दो या A क्यूब लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। A क्या है, इसकी साइड, तो साइड का क्यूब। इसमें से आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, बस आप इतना याद रखें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर साइड का क्यूब। यहां पर मैंने साइड को ए लेट कर लिया है इसलिए ए क्यूब। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है। आप अभी ये नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे अपने एग्जांपल्स और फिर करेंगे एक्सरसाइज। और अगर ये सब कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल। प्लीज नोट इट डाउन।